कौशाम्बी जिले में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम बड़ी सुरक्षा निगरानी में घोषित किया जा चुका है। कौशाम्बी में ब्लॉक प्रमुख पद की 8 सीटों में से सत्ता दल भाजपा को मिली 3 सीटें और सपा को मिली 2 सीटें। वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी भी 3 सीट पाकर काबिज हुए। बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि नवेदा ब्लॉक के दोनों दावेदार 47-47 मत पाकर बराबरी पर रहे। बाद में दोनों प्रत्याशियों की सहमति पर डीएम सुजीत कुमार के निर्देश पर आयोग की गाइडलाइन पर लॉटरी के माध्यम से हार जीत का फैसला हुआ, जिसमें केलपति देवी को विजयी घोषित किया गया। बता दें कि चायल ब्लॉक से दिलीप प्रजापति निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। डीएम सुजीत कुमार ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए गए। गौरतलब हो कि कड़ा ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के अनुज यादव बने ब्लॉक प्रमुख, सुराथू ब्लॉक से बीजेपी की सीतू मौर्या बनी ब्लॉक प्रमुख, मंजनपुर ब्लॉक से बीजेपी के सरला राय बनी ब्लॉक प्रमुख, मुरतगंज ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद बने ब्लॉक प्रमुख, कौशाम्बी ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी संध्या द्विवेदी बनी ब्लॉक प्रमुख, सरसनवा ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी अमर सिंह बने ब्लॉक प्रमुख, चायल ब्लॉक से दिलीप प्रजापति निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते, नेवादा ब्लॉक से बीजेपी के केलपति देवी लॉटरी के माध्यम से बनी ब्लॉक प्रमुख। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। कितने सीट थे, कितने लोग जीते? ये जनपद कौशाम्बी में कुल 8 क्षेत्र पंचायत हैं यहाँ पर, जिसमें से एक चायल ब्लॉक का, चूंकि एक ही नॉमिनेशन पत्र वहाँ पर फाइल हुआ था तो वो निर्विरोध घोषित किया गया। उसके अतिरिक्त बाकी जो 7 हमारे ब्लॉक थे आज वहाँ पर चुनाव संपन्न कराए गए और कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की इशू नहीं आई है, शांतिपूर्वक मतदान कराया गया है। 7 जगहों पर चुनाव के नतीजे आज यहाँ पर घोषित कर दिए गए। नेवादा में बराबर हो गया था, किस तरह से उसको किया गया? नेवादा में कुल मिला के 94 मत पड़े थे और उसमें से दोनों जो कैंडिडेट्स थे उनको 47-47 मत मिले। तो जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि उसमें यदि बराबर की स्थिति आती है तो लॉटरी कराया जाएगा, तो उसमें उन दोनों के पर्चों को डब्बे में डाल के लॉटरी सिस्टम से संपन्न कराया गया और उसके बाद श्रीमती केलपति को वहाँ पे से विजयी घोषित किया गया है। स्थितियों में इतना डटकर साथ दिया और हमारे बड़े भाई आशीष मौर्या जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि जो इस समय चल रहा है पूरे प्रदेश में, आपने देखा जितने सरकार के विरोध में लोग चुनाव लड़े हैं, या तो उनके घर गिरा दिए गए हैं या तो उनको जेल भेज दिया गया है, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। मेरे खिलाफ़ भी बहुत साजिश की गई, वो तो मैं ही जानता हूँ किस तरह चुनाव लड़ा गया है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने बहुत डट के हमारा साथ दिया, और मैं सबको बहुत इसके लिए बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व प्रमुख रहे, मौजूदा प्रमुख बने हैं, चुने गए हैं, आज विकास कार्य कैसे करेंगे? देखिए, जो काम जनता से हमने वादे किए हैं सबसे पहले उनको पूरा करना है। जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको, जैसा कि आज आपके समर्पित प्रत्याशी की जीत हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी समर्थित नहीं, आम जनमानस की, सर्व समाज की समर्थित प्रत्याशी, गरीब जनता की समर्थित प्रत्याशी, समस्त क्षेत्र पंचायत की समर्थित प्रत्याशी मैं कहूँगा, और इसका पूरा श्रेय हमारे इस क्षेत्र पंचायत की जनता जनार्दन को और उनकी शुभकामना भगवान की कृपा को मैं देता हूँ। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबकी संयुक्त प्रत्याशी केलपति जी उनके सम्मान की हमेशा सुरक्षा करेंगी और उनके विकास की, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। जिस प्रकार चुनाव का परिणाम 47+47 रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो हम लोगों का काम था, हम लोगों ने प्रचार किया, प्रसार किया, जिस तरह से जनता का आशीर्वाद, माननीय क्षेत्र पंचायतों का जिस तरह से विश्वास बना, जो था वो आपके सामने है, मैं सबको आभार देता हूँ। अंत भला तो सब भला, जीत हम लोगों की हुई, सत्य की जीत हुई, मैं इसलिए सब खुशी हुई कि अब गरीबों का, सहायों का, सबका सेवा करना है, सबकी मदद करनी है, शिक्षा पर सबको ध्यान देना है। अपने वोटरों को क्या धन्यवाद देंगे आप? वोटरों को सब सुविधा देंगे, हाजिर आपके भी अगर वो लोग बुलाते हैं तो हाजिर होंगे।
चुनाव में आप 52 मत पाई हैं, दूसरी चौथी बार है आप जो है प्रमुख बनी है, तो जो कार्य बाकी थे क्या इस बार समिति का पूरा होगा? बिल्कुल होगा, वैसे बाकी तो कुछ नहीं था। कंप्लीट सब होता है।